को बरी किया। आपको बता दें 32 के 32 आरोपी बरी कर दिए गए। अदालत ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो कुछ हुआ अकस्मात हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत धर्मेंद्र दास, सभी लोगों को अदालत ने बरी कर दिया, ये कहते हुए कि जो कुछ हुआ 6 दिसंबर 1992 को वो किसी साजिश के तहत नहीं हुआ। संजय शर्मा, विस्तार से बताइए जरा, जो वकील आए हैं बाहर बात कर रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं अंदर अदालती कार्रवाई के बारे में? वकीलों ने तो यही बताया है कि अदालत ने अपने फैसले में यह मान लिया है कि कोई भी स्वतः स्फूर्त ये घटना कोई नियोजित नहीं थी, लिहाजा अदालत ने अभियोजन पक्ष के तमाम आरोपों को नकार दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि किसी की तस्वीर दिखाने भर से, सिर्फ तस्वीर से ये साबित नहीं हो जाता कि अलाया फला आदमी आरोपी है या दोषी है। अदालत को सबूत चाहिए, जो सबूत देने में वो नाकाम रही है, लिहाजा अदालत इन सारे लोगों को आरोपों से बरी करती है। जब एक बार बरी हुए तो सारे लोग आरोपों से बरी हो गए हैं। जय भगवान गोयल अभी बाहर निकले हैं और बाकी आरोपी इधर से, अब तो सारे बरी हो चुके हैं, बाकी सारे लोग यहां से निकलने वाले हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर रात कैसी गुजरी, उनके अंदर कैसा तनाव था, नहीं था, तनाव मुक्त थे या बिल्कुल ये भरोसा था कि वो इस मामले में बरी होंगे। फिलहाल सबको इंतज़ार है, धीरे धीरे सब बाहर निकल रहे हैं एक एक करके। उधर वकील अपनी तरफ से ये बता रहे हैं कि आखिर कहां कहां कौन कौन सी दलीलें ऐसी थी, कौन कौन से आधार थे जिनके आधार पर, जिन बचाव पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई वो अदालत को जंची और अदालत ने न्याय के हक में ये माना है कि वो किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं थी, स्वतः स्फूर्त लोगों का ज्वार था, लोगों का उबाल था, भावनाओं का उबाल था। ऐसे में नेताओं के लिए ये कहा है कि जिन आरोपियों पर ये आरोप लगाया गया कि उनके भड़काने से भीड़ आगे बढ़ी और उन्होंने विवादित ढांचे को ढहा दिया, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो सबूत दिए हैं, जो वीडियोग्राफ्स दिए गए हैं, जो ऑडियो सैंपल्स दिए गए हैं, क्लिप्स दी गई हैं, उसको उससे अदालत संतुष्ट दिखी और अदालत ने ये माना है कि इन नेताओं ने लोगों को समझाने की, संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद भीड़ का ज्वार था, नेताओं की एक ना चली और उस पर भीड़ ने आगे बढ़कर बड़े बड़े वो कपड़े लेकर आए थे, जैसे कि वो कांटेदार बाड़ के ऊपर उन्होंने कपड़ों के ऊपर अपने आप को, जिस्म को ढलका दिया था और उस पर चढ़कर कार सेवक ऊपर। चलिए वापस आते हैं संजय आपके पास। राम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो काम हुआ था राम जी के लिए हुआ था, हनुमान जी कृपा से हुआ था, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। देखिए मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया, राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में, जो जहां जाए ऊपर जाएंगे वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय, हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद है, जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी। आपने जय भगवान गोयल जो कि इस मामले में आरोपी थे, वो अंदर से बाहर लौटे हैं, उसके बाद वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी। और हमारे साथ इस वक्त मौसमी सिंह भी मौजूद है लाइव अदालत परिसर से, जो लगातार आपको अपडेट दे रही है। सबसे पहले जिन्होंने आपको बताया कि बाबरी केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, आज तक ने सबसे पहले आपको बताया, मौसमी सिंह ने सबसे पहले आपको बताया कि इस मामले में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अदालत ने यह कहा है कि जो कुछ हुआ अचानक हुआ, कुछ पूर्व नियोजित नहीं था। मौसमी बताइए और क्या जानकारी आपके पास आ रही है अभी? जी, सबसे पहले आज तक नहीं खबर दी थी, सबसे पहले सारे जो आरोपी थे उनको हम आप आज तक के दर्शकों के लिए लेके आए।